So, good evening everyone again and welcome to today's class. So, before beginning the class, I will read out the motivational quote that is being imprinted here. Key success is the sum of all efforts repeated day in and day out. इसका मतलब ये है कि सक्सेस जो है वो एक दिन में नहीं मिलता है. इफ यू वर्क हार्ड एवरी डे डे इन डे आउट, इफ यू हैव द करेज टू वर्क द सेम थिंग, करेज एंड द एबिलिटी टू विदस्टैंड द बोर्डम दैट यू गेट. एक चीज को डेली करने से बोर भी लगता है, बट एक्चुअली में एक चीज को डेली करने से ही काम बनता है. मतलब नॉट एक चीज, स्मॉल स्मॉल थिंग्स डेली इफ यू डू देन यू विल डेफिनेटली यू कैन सक्सीड इन द इवन यू कैन कैच द बिग फिश, नॉट ओनली द स्मॉल फिशेज. ओके, सो बात वही है. यू ट्राई टू वर्क हार्ड एंड डेली टारगेट सेट करो रादर देन गोइंग फॉर. मतलब एकदम बड़ा बड़ा टारगेट मत बनाओ कि नहीं आज पूरा फाड़ देना है और कल पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं है. डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से भी हो जाता है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है. डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं. इतना ज़्यादा हार्डवर्क भी, ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो आपको ब्रेन कम यूज होगा, सो दैट इज नॉट अगेन बेनिफिशियल. सो आपको यू शुड नो वेन टू टेक रेस्ट एंड वेन टू स्टडी एंड वेन टू डू वॉट. ओके, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑल्सो. मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स. अगर आपको लोगों ने अभी तक ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, दैट आई कांट से, बट प्रिपरेशन में भी मेनी थिंग्स आर देयर विच सराउंडिंग्स जो आपको हेल्प करता है. यू शुड वॉच टीवी, यू शुड फॉलो न्यूज. पता है आपको, आरआरबी पीओ का जब मेंस मैंने दिया था तब एक क्वेश्चन आया था फुटबॉल, फुटबॉल रिलेटेड. इटाली को क्या बोलते हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, इटाली को क्या बोलते हैं, मतलब देयर इज अ नेम फॉर द कंट्री इटाली. ठीक है, जैसे अर्जेंटीना को एल्बेस्टोस बोलते हैं, ब्राजील को कुछ बोलते हैं, ब्राजील का मुझे याद नहीं है, ऑजीज को कैंगरू बोलते हैं. उसका पूछा था कि इटाली को क्या बोलते हैं. सो वो तो ओनली दैट, मैं फुटबॉल देखता हूँ, आई कुड आंसर दैट. उसमें तो यही बात है कि मतलब सिर्फ मैं अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, देर आर मेनी पीपल हु स्टे इन टच विद द डेली वर्ल्ड. मतलब ये नहीं कि सिर्फ सारा दिन मैच रीजनिंग कर रहे, वो दैट इज वेरी बोरिंग. वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी टच रखना चाहिए. आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एंड यू विल फील गुड. और सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चन, आप जॉब के बाद भी तो एक लाइफ होगा ना. सो उसमें कीप ए बैलेंस बिटवीन, ट्राई टू कीप ए बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. ओके, ये तो एक इंसान ने भी बोला था कि एक वाइज मैन वही होता है जिसको हर एक चीज बैलेंस करना आता है. ये वो नहीं होता है जिसको एक ही चीज 100% आता है. एक वाइज मैन वो होता है जो उसको जिसको चार पांच काम 70% कर करके आता है, वही वाइज होता है. इट्स नॉट कि आपको एक ही चीज 100% आता है और बाकी कुछ नहीं आता है, उस तरीके से नहीं होता है. ओके, सो इनफ ऑफ मोटिवेशन. ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, यू प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है, यू टेल मी व्हाट इज द आंसर. ये रेशियो ऑफ है, हाँ, रेशियो के बाद एक स्पेस है, फिर ऑफ है. आराम से सोच के करो, ट्राई करो. टाइम स्पीड का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई. ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, 2023 का. अगर आप में से किसी ने दिया है एग्जाम, देन यू विल नो कि ये क्लर्क मेंस में आया था.
नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट फिगर अलग है, बट क्वेश्चन ही था। और एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्टार्ट्स होगा, स्टार्ट रिटर्निंग। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को आप लोग कहाँ तक लेके जा सके, टेल मी, लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस। इसमें क्या करना है, स्पीड का रेशियो, अच्छा स्पीड का रेशियो पहले निकालते हैं, लेट मी सी क्या है। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 8 AM, 9 AM, 10 AM। स्पीड रेशियो, स्पीड का रेशियो तो निकाला होगा तरुण, सॉरी शिवम, तरुण और चेतन। 1:1.25:0.5 किससे मल्टीप्लाई करूँ रेशियो को डेसिमल हटाने के लिए, व्हाट नंबर शुड आई मल्टीप्लाई विथ to remove the decimal। हंड्रेड, वाई हंड्रेड, फोर फोर से कर दो ना। गुड इवनिंग कोकिल, फोर से कर दो ना, आप लोग इतना दूर का क्यों सोचते हो, फोर से कर दो। 1.25 है उसको फोर से कर दो, 0.25 इंटू फोर ही तो वन दे देगा आपको, 0.25 इंटू फोर होने से ही वन दे देगा। आप हंड्रेड से करोगे फिर काटोगे, आप डायरेक्ट फोर से करो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 4 4 और 0.25 इंटू 4 1, तो 4 प्लस 1 5, और ये होगा 0.5 इंटू 4 2, और ये होगा 1 इंटू 4 4। इससे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा रेशियो, इज इट क्लियर। सी दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको मिस, वेर यू मिस, आप वहां पे मिस करते हो, ये सब छोटा छोटा चीज ही आप मिस करते हो, इसीलिए आपका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। ओके, सो यू ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आप दिमाग से सोचो ना कि अगर 1.25 है तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से वो डेसिमल हट जाएगा ना, इज इट क्लियर, समझ में आया ना ये चीज। सी आप लोग 100 से भी कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ऐसा मत सोचना कि हर एक बात में ऐसा नहीं है, ठीक है, बट आप उससे भी यू ट्राई टू मतलब मेक इट मोर शॉर्ट, जितना शॉर्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है, उतना ही जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा। ओके अच्छा अभी देखो, आपको बोला ये तो स्पीड का रेशियो है, आपको बोला है कि सिटी ए और सिटी सिटी ए से स्टार्ट किया था शिवम, तरुण और चेतन ने, तो आप मान लो, जस्ट वन मिनट, ये डिस्टेंस है, ये तीन डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस है, ये तीनों सेम डिस्टेंस है। शिवम ने यहां से स्टार्ट किया, तरुण ने यहां से स्टार्ट किया, चेतन ने यहां से, उसके बाद क्या बोला, कितने बजे, शिवम ने किया है 8 बजे, तरुण ने किया है 9 बजे, और उस भाई साहब ने होने, और चेतन ने किया है 10 बजे। देन रीड द क्वेश्चन, क्या बोला, स्पीड का रेशियो मिल गया।
इफ शिवम मीट्स तरुण आफ्टर टी आवर्स, शिवम और तरुण, देखो शिवम यहां से निकलेगा, शिवम यहां से निकलेगा विथ ए स्पीड ऑफ 4, 4 यूनिट का स्पीड से निकलेगा, और तरुण निकलेगा विथ ए स्पीड ऑफ 5, बट शिवम 8 बजे निकलेगा, तरुण निकलेगा 9 बजे, तो शिवम एक घंटे में 4 यूनिट पहले ही पहुंच चला जाएगा कि नहीं, बोलो तो? शिवम जो है वो एक घंटे में, उसका स्पीड 4 है ना, 4 यूनिट स्पीड है, मतलब एक घंटे में 4 यूनिट जाता है, एक घंटे में 4 यूनिट जाता है ना, तो मतलब वो एक घंटे में 4 यूनिट तो पहले ही चला जाएगा जब 9 बजेगा। जब शिवम यहाँ पे रहेगा तब टाइम हुआ है 9 बजे, तब 9 बजाए, और उसी टाइम पे ये बंदा स्टार्ट करेगा, इसका नाम क्या है, तरुण, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा कितने बजे, 9 बजे, तो 9 बजे शिवम ऑलरेडी चला गया 4 किलोमीटर, 4 यूनिट कुछ भी मान लो। आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया ना, देखो तो प्लीज टेल मी वेर यू डोंट अंडरस्टैंड। यस, समझ में आया, 4 यूनिट, हाँ वो ऑलरेडी 4 यूनिट चला गया, करेक्ट। आप मुझे एक चीज बताओ कि कितने डिस्टेंस में वो लोग मिलेंगे, बोलो तो, एट व्हाट डिस्टेंस विल दे मीट ईच अदर फ्रॉम द स्टार्टिंग। देखो देखो ठीक है 16, नहीं, देखो मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो बंदा है तरुण, इसका स्पीड है 5, तो मतलब ये जो बंदा तरुण है ये एक घंटे में कितना कवर करेगा पता है, ये कवर करेगा एक घंटे में 5 यूनिट, एक घंटे में कवर करेगा 5 यूनिट, ये बंदा कवर करेगा 4 यूनिट, ये बंदा कवर करेगा 5 यूनिट, तो कितने डिस्टेंस में मिल जाएंगे बोलो। ट्वेंटी, कॉमन सेंस का बात है, 4-5 का एलसीएम है 20, ऑब्वियसली 20 में ही मिलेंगे, वो एक घंटा में 4 जा रहा है, वो 5 जा रहा है, वो फिर 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 20 में ही मिलेंगे ना, 4-5 का एलसीएम होता है 20 मेरे भाई, ठीक है। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं आपको ब्रॉडली समझाता हूँ। देखो वो एक घंटे में 4 चला गया था, दूसरे घंटे में वो 8 चला जाएगा, वो दूसरे घंटे में 5 में आएगा, तीसरे घंटे में 12 चला जाएगा, वो 10 में आ जाएगा, वो 16 चला जाएगा, वो 15 में आ जाएगा, फिर 20 चला जाएगा, वो भी 20 में आ जाएगा, तो 20 में ही पकड़ेगा ना। इज इट क्लियर, टेल मी प्लीज। यस, समझ में आया ना। अच्छा विश्वजीत, आप वहां से 16 बोल रहे थे क्या, आप वहां से 16 बोल रहे थे, अच्छा तब तो ठीक है, सॉरी मैंने मिस इंटरप्रेट किया, तो मतलब ये बंदा 4 चलेगा, ये बंदा 5 चलेगा, तो बट ये एक घंटा पहले चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 चला तो क्या हुआ, ये इसको 20 में तो पकड़ ही लेगा ना, ये बंदा 20, ये जो बंदा है, जो इसका नाम क्या है, तरुण है ना इसका नाम, ये तरुण 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 4 घंटे में, लेकिन वो तो 5 घंटे में करेगा, तो वो तो एक घंटा पहले भी निकला था, मतलब 20 में 7 में जाके पहुंचेंगे, इसका मतलब ये जो हमारा जो डिस्टेंस है ना वो 20 यूनिट है, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 20 यूनिट है, ठीक है, समझ में आया, ये डिस्टेंस है 20 यूनिट। फिर क्वेश्चन क्या बोला, एंड आफ्टर टी आवर्स तरुण स्टार्ट्स रिटर्निंग बैक टू सिटी। अच्छा आप मुझे बताओ ये टी आवर्स का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टी आवर्स इफ शिवम मीट्स तरुण आफ्टर टी आवर्स। एक्चुअली मैंने प्लस 4 नहीं किया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ये मुझे बताओ अगर शिवम तरुण को 3 घंटे बाद मिले, टी आवर्स बाद मिलेगा, देन व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, 4 घंटा, किसके लिए 4 घंटा किसके लिए 4 घंटा, शिवम के लिए कि तरुण के लिए, तरुण के लिए, वेरी गुड, तरुण के लिए 4 घंटा है, शिवम के लिए 5 घंटा है ना, हाँ शिवम के लिए 5 घंटा है, ठीक है, तो तरुण के लिए 4 घंटा मतलब अभी 9 बजा है, 9 बजे से 4 घंटा आगे जाएंगे तो 1 बजेगा, मतलब यहाँ पे जब आया तरुण तब 1 बजा था, तब 1 बजा था, तब 1 बजा था, अभी क्या बोला क्वेश्चन में कि एंड आफ्टर टी इयर्स तरुण स्टार्ट्स रिटर्निंग बैक टू सिटी, तरुण 1 बजा, तरुण घूमने लगा, आपको बोला है कि चेतन को रास्ते में मिलता है, तो चेतन तो चला था 10 बजे, चेतन 10 बजे से 1 बजे तक कितना यूनिट चलेगा बताओ, चेतन जो है वो 10 बजे से 1 बजे तक कितना यूनिट चलेगा, हाउ मेनी यूनिट्स, सॉरी
यूनिट चलेगा, वेरी नाइस सौरभ, विश्वजीत वेरी गुड, एरोनिमस ठीक है, हाँ करेक्ट प्रियंका करेक्ट, 6 यूनिट चलेगा क्योंकि 1 घंटे में 2 यूनिट चल रहा है ना भाई, वही तो स्पीड है, स्पीड का डेफिनेशन ही हुआ है कि 1 घंटे में कितना यूनिट चलता है, तो 1 घंटे में अगर 2 यूनिट चलेगा तो 3 घंटे में 6 यूनिट चलेगा, मतलब ये आदमी 6 यूनिट आगे रहेगा, तो मतलब दोनों के बीच में रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 14, ये जब 6 यूनिट बजाए तब 1 बजाए, तब 1 बजाए, तो अभी 1 बजे दोनों शुरू हुए, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 14 और दोनों का रिलेटिव स्पीड, एक का स्पीड है 2 और एक का स्पीड है 5, कितना है 5 है, तो ऑपोजिट में ऐड होगा तो 5 + 2 तो मतलब 2 आवर्स, इसका मतलब दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगे, एक एक बजे से 2 घंटे बाद मतलब 3 बजे, समझ में आया क्वेश्चन? Is it clear? Please tell me if anyone has anything to ask. You please kindly ask me. Okay. चेतन वाला पार्ट मैं समझा दो. देखो, चेतन चेतन कहाँ था? यहाँ था. अभी आपको एक चीज पता चला कि ये वाला जो बंदा है तरुण, वो 1 बजे यहाँ पे पहुंचेगा, तो चेतन 1 बजे तक कितना चल लेगा? 1 बजे तक वो यहाँ पे थोड़ी रहेगा, वो तो 10 बजे चला था, तो 1 बजे तक वो 3 घंटा चल लेगा, तो 1 घंटे में 2 यूनिट चलता है, तो 3 घंटे में 6 यूनिट चल लेगा, इसका मतलब उसने डिस्टेंस को 6 रिड्यूस कर दिया ना, तो अभी चेतन के लिए भी 1 बजाए, तरुण के लिए, चेतन के लिए भी 1 बजाए, तरुण के लिए भी 1 बजाए, तो दोनों को साथ में चला, दोनों साथ में चलेंगे, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 14, और रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है ना, तो 5 + 2 = 7, मतलब 2 घंटे बाद मिलेंगे, समझ में आया? प्लीज टेल मी, समझ में आ गया ना, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, जो रिलेटिव स्पीड का डायरेक्ट वाला, क्लियर है ना? वेरी नाइस, ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करो तो डी ओके, शिवम का स्पीड कितना यूनिट था? 4 यूनिट था क्या? शिवम का स्पीड कितना यूनिट था? हाउ मेनी यूनिट्स? 4 यूनिट था, ओके, तो 4 यूनिट का वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1 किलोमीटर पर आवर, और तरुण का स्पीड कितना यूनिट था? तरुण का स्पीड 5 यूनिट था क्या? 5 यूनिट था ना, ठीक है, थैंक यू, हाँ 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट 1 किलोमीटर, तो 5 यूनिट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का स्पीड से 4 घंटा चलेगा तो 20 किलोमीटर चल लेगा ना, ये वाला देखो रेशियो यहाँ पे बनाया था ना, ये शिवम तरुण और चेतन 4, 5, 3, शिवम तरुण और चेतन इज 4, 5 and 3, तो यहाँ पे भाई किसका दिया हुआ है? शिवम का दिया हुआ है, तो शिवम का 4 यूनिट 4 किलोमीटर, तो 1 यूनिट 1 किलोमीटर, तो तरुण का 5 यूनिट, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटा चलेगा तो 20 किलोमीटर चल लेगा ना, 5 × 4, इजी क्वेश्चन हलवा, देखो मेंस में ऐसा ही होता है, एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्रिकी है दूसरा क्वेश्चन एकदम इजी होगा, मतलब वो आप प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन होता है, ओके, सो जस्ट आपको वो निचोड़ निकालना होता है फॉर ए सिंगल क्वेश्चन, बाकी तो कुछ नहीं रहता है, आराम से टाइम लो, यू टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
chemistry. तो समझ में आया ना, देखो क्वेश्चन, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे इस जगह में खत्म हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? डू इट. क्वेश्चन है यार ये, तो समझने में थोड़ा सा, कैसे निकालेंगे निकालेंगे. ओके, इनफ टाइम, 5 मिनट्स हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते. पी और क्यू का वैल्यू बताओ, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. ये तो निकाल लिया होगा ना आपने, टेल मी पी का वैल्यू बताओ. 75, पी 75 है और क्यू 45 है, ठीक है? 75 45, ये तो निकाल लिया ना, इसका रूट्स निकालना था इस इक्वेशन का. तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 9000 बराबर 0. हाँ सर, ये निकाल लिया ना, वेरी नाइस, चलो ये तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, ये दो इक्वेशन का रूट मुझे, ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट है 9000 और डिफरेंस है 90. प्रोडक्ट 9000 और डिफरेंस 90 कैसे होगा? 15 15 6 से 90 होता है, 15 6 9 भी होता है, मतलब 150 और 60 होगा. तो एक्स होगा आपका 150 और 60. अभी नेगेटिव किसके साथ आएगा, पॉजिटिव वो देख लो. यहाँ पे माइनस 90 है, मतलब माइनस 150 के साथ नेगेटिव आना चाहिए, बट आएगा इसके साथ, साइन चेंज हो जाएगा. तो 150 और माइनस 60. तो अभी ये तो पी और क्यू है, मतलब 2p का वैल्यू 150 है. तो 2p अगर 150 है तो मतलब p 75 है, और ये माइनस q प्लस 15 माइनस 60 है, मतलब q प्लस 15 का वैल्यू 60 है. तो q का वैल्यू 45 है, 45, ठीक है? यहां तक क्वेश्चन तो समझ में आ गया. अभी हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिक्सचर ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:8. तो जो मिक्सचर ए है ना, जो मिक्सचर ए है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है, कितना है, कितना है आप बोलेंगे, 7:8, और बी में 5:4. बी में क्या रेशियो है सर? 5:4 है. आपको ए और बी को मिक्स करना है किस रेशियो में? ए से कितना लिया? पी लीटर. पी लीटर मतलब 75 लीटर, और बी से कितना लिया? क्यू लीटर, मतलब 45. मतलब ए से मैंने 75 लीटर लिया है और बी से मैंने 45 लीटर लिया है, 45. ए से लिया 75, बी से लिया 45. तो अब देख लो किस रेशियो में मिक्स किया है. देख लो, 75:45 का रेशियो निकाल लो. 15 से काट दो 5 बार और 15 से काट दो 3 बार, मतलब इस रेशियो में मिक्स किया है, जिसमें यहाँ पे मिल्क का फ्रैक्शन कितना है. यहाँ पे मिल्क का फ्रैक्शन में एलिगेशन लगाएंगे, मिल्क का फ्रैक्शन कितना है. नहीं तो एलिगेशन नहीं लगाते, डायरेक्ट निकालो, एलिगेशन लगाने का जरूरत नहीं है ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी गिवन है. गुड इवनिंग अर्मन. यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी गिवन है ना, मतलब ए से 75 ही लिया है और बी से 45 लिया है. तो जब बेकार में एलिगेशन लगाएंगे जरूरत नहीं है. ए अगर 75 लीटर लेते हैं तो
तो मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा बताओ? अगर पूरा क्वांटिटी 75 है तो मिल्क कितना होगा? 21 होगा ना, 35, ओ सॉरी 35 होगा, सॉरी सॉरी हाँ 35 होगा, और वाटर 40 होगा, वाटर 40 होगा करेक्ट। और इसमें इसमें मिल्क कितना होगा? 95, 25, 45, 20, 20 होगा। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे सर, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क कितना होगा? आप बोलेंगे सर 35 प्लस 25, मतलब 60 दूध होगा, और पानी कितना होगा? 40 प्लस 20, 60। इसका मतलब दूध और पानी का रेशियो इक्वल है, 1:1 है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप मुझे ये बताओ। यहां तक समझ में आया? यस क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप एलिगेशन से भी निकाल सकते हो, बट मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि क्वांटिटी गिवन ही है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो आया 1:1, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आपको ये बोला है कि उसके बाद क्या किया, आर परसेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर एक्स, इसको एक्स में डाला ना, उसमें से आर परसेंट, ये मिक्सचर है, आर परसेंट बाहर निकाला और सेम क्वांटिटी जूस डाल दिया, सेम क्वांटिटी जूस डाला है। और उसके बाद मिल्क वाटर और जूस का जो रेशियो है वो 2:2:1 है, मतलब मिल्क वाटर और जूस इसका रेशियो क्या है? 2:2:1। ये कब हुआ? कब हुआ? जब हमने जूस डाला, जूस डाला और हमने आर परसेंट निकाला, मतलब टोटल मिक्सचर है ना, उससे आर परसेंट निकाला और जितना निकाला उतना ही जूस डाला है। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी अभी भी पहले जितना था अभी भी उतना ही है। आप एग्री करते हो ना? पहले जितना टोटल क्वांटिटी था अभी भी उतना ही टोटल क्वांटिटी है। डू यू एग्री और नॉट, प्लीज टेल मी। या फिर आपका कुछ दूसरा व्यूज है क्या? यू हैव एनी अदर व्यूज, यू कैन टेल मी। ओके ठीक है, बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने जितना निकाला था हमने उतना ही डाला है। इसका मतलब हमने जितना क्वांटिटी निकाला था हमने उतना ही जूस डाला है। तो जूस हमने कितना डाला है? 1 यूनिट डाला है। और तो टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट था, मतलब 1/5, मतलब हमने 20% निकाला था कि नहीं, बोलो। यू एग्री? नो, 20% ही निकाला था। यस, समझ में आया ना? हाँ बोल रहे हैं ना? ना तो नहीं बोल रहे। यू टेल मी इफ एनीवन डिड नॉट अंडरस्टैंड, यू टेल मी, टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट, नो प्रॉब्लम, बट यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन? ओके एक्सप्लेन। ओके देखो, देखो पहले भी 5 यूनिट था। देखो अभी अगर आपको जूस डालने के बाद, जूस डालने के बाद अगर टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट है, इसका मतलब पहले भी 5 यूनिट ही था। ये तो आप एग्री करते हो, क्योंकि भाई जितना निकाला है उतना ही डाला है, जितना निकाला है उतना ही डाला है, उतना ही डाला है करेक्ट। तो मतलब पहले, अभी अगर 5 यूनिट है तो पहले भी 5 यूनिट था, और आपको पता है कि जितना निकाला है उतना ही डाला है, तो डाला कितना है? 1 यूनिट, मतलब निकाला भी 1 यूनिट था। तो जो निकाला था वो 1 यूनिट निकाला था और टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट था, मतलब 20% निकाला था ना, मतलब 20% निकाला था ना। आपको डाउट होता है, यू टर्न ऑन द माइक एंड यू यू आस्क मी द डाउट, अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज टर्न ऑन द माइक एंड यू आस्क मी द डाउट एवरीथिंग। आई कैन नॉट, मतलब टेक्स्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट किसी को मैसेज करने से भी, आई डोंट लाइक टू टेक्स्ट, मतलब इट्स बेटर टू टॉक ओवर द फोन, मतलब वो ज्यादा क्लियर है, उसमें क्लैरिटी ज्यादा है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू टर्न ऑन द माइक एंड आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप देखो, आपको समझ में अगर आ रहा है तो हमने जूस 1 यूनिट ही डाला है, मतलब हमने पहले भी 1 यूनिट ही निकाला था, 5 में से हमने 1 यूनिट ही निकाला था, इसीलिए तो 1 यूनिट जूस डाला है, मतलब हमने 20% निकाला था। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 20% नहीं, हमने कितना निकाला था? आर परसेंट, मतलब आर का वैल्यू 20 है। आपको पूछा है आर प्लस 25, इज इट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर? टेल मी। आपका मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन को फुल डेप्थ से यू ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। आप जितना समझोगे ना ये उतना इंटरेस्टिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग मिक्सचर एलिगेशन। आपको सिर्फ सोचना है कि किधर से जाने से यू कैन फाइंड द वे, दैट इज द ओनली थिंग हियर, नथिंग एल्स, ठीक है। सो वो थोड़ा सा यू प्रैक्टिस मिक्सचर एलिगेशन, मतलब आप लोगों का ना, मुझे मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप लोगों का मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम है,
आप लोगों को एवरेज में तो है, एवरेज में तो बहुत प्रॉब्लम है, और टाइम स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो वो प्रॉब्लम लेके भी एग्जाम दे सकते हैं, और आप लोगों को मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क में नहीं, टाइम एंड वर्क में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव रियल हाई टाइम प्रॉब्लम इन मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड एवरेज, ठीक है? सो यू स्टडी मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड एवरेज, तो स्टडी दोस टॉपिक, सो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर एलिगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट एवरेज भी इंपॉर्टेंट। सीआई में भी डाउट है क्या? पता नहीं, हो सकता है। सीआई इंपॉर्टेंट तो सभी है बट मिक्सचर एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, और मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है सॉल्व करके, मिक्सचर एलिगेशन जब आंसर निकलेगा ना बहुत अच्छा लगता है। यू सॉल्व सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। R का वैल्यू 20 आया था, R का जो वैल्यू है वो 20 था और Q का वैल्यू था 45। अभी निकालो, बी करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 900, दो रूट गिवन है, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, 65, तो 65x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 900, एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 900 बराबर शून्य, शून्य जीरो, ठीक है? और एक चीज आप लोगों को, और एक चीज में प्रॉब्लम है, रेशियो में, रेशियो में भी प्रॉब्लम है अभी भी, मतलब सी व्हाट आई एक्सपेक्ट, वो उस लेवल में अभी तक नहीं गया है। यू ट्राई टू, मतलब आप ट्राई करो कि मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाता है ना, आप उसको बाद में एनालाइज करके देखो कि उसको और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज द ओनली वे। और रेशियो आपका जितना फास्ट होगा ना, आपको टाइम उतना कम लगेगा इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है? जैसे आप लोग सपोज, जैसे कभी भी रेशियो को ब्रेक करना होता है, सपोज कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि ए बी और सी गिवन रहता है, मतलब ए बी सी गिवन रहता है, और ए और बी का एक रेशियो गिवन रहता है, सपोज 3:4, और आपको स्टेटमेंट बोलेगा सी इज 3 times मोर देन द डिफरेंस, मोर देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो आपको वो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि ये 4 units होगा, वो सब चीज मैं बोल रहा हूँ। उसमें फिर आप दूसरा, फिर आप डिफरेंस निकाल के, ये सब नहीं, ये डायरेक्ट वो उस चीज को आप डेवलप करिए, हाउ टू कॉम्बाइन रेशियोज फास्ट एंड हाउ टू डू इट फास्ट, ठीक है? तब बहुत टाइम बचेगा, मैं बोल रहा हूँ क्वांट में बहुत टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है? चलो यू ट्राई टू सॉल्व, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, एलिगेशन वाला, मिक्सचर वाला, ये वाला, इज इट क्लियर, दिस फर्स्ट क्वेश्चन? यस, पूरा समझ में आया ना पूरा, ये जूस कहाँ से निकला, यस, मिक्सचर कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से जूस डाल रहे हैं? एनी डाउट, एनीवन इज हैविंग, इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? मैं नहीं था, देर से आया, आप रिकॉर्डेड देख लेता, किसी को डाउट नहीं है ना? ये वाला क्वेश्चन कीजिए प्लीज, प्लीज डू इट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल, ये 200x नहीं है, हाँ ये 200 मल्टीप्लाइड बाई है, 200 इनटू नंबर ऑफ शर्ट्स है, ठीक है? इसको x मत सोचना, इट इज 200 इनटू द नंबर ऑफ शर्ट्स प्लस 25,000, प्लीज सॉल्व इट।
हरमन आप मुझे माइक ऑन करके क्वेश्चन समझाएंगे प्लीज? कैन एनीवन टर्न ऑन द माइक एंड प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज बीइंग रिटन इन द क्वेश्चन फर्स्ट? एनीवन कैन वॉलंटियर, कोई भी समझाओ, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। प्लीज वॉलंटियर एंड प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन to me what is written in the question. Kukit kua tumi tumi kua tumi to aji bahut din pisot aisa tumi kua ekuna ekua mic on korile ekuna hobo. कोई तो समझाओ यार, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट लेट्स सी दैट थिंग, तभी तो आंसर की तरफ जाने से समझ में आएगा ना। क्या हो गया? थोड़ा स्मार्ट बन के क्वेश्चन समझाओ। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए शर्ट मैन्युफैक्चरर ऑन दिवाली, एक कोई शर्ट बनाने वाला इंसान है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब वो जितना शर्ट मैन्युफैक्चर करेगा उस पे डिपेंड करता है। एंड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स इज 200 इनटू नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस 25,000। 25,000 कोई ओवरहेड एक्सपेंस होगा, लेबर कॉस्ट वगैरह लेके 25,000 उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। इफ द मैन्युफैक्चरर कैन सेल द शर्ट्स विद इन द दिवाली सीजन, He can sell each of them on their marked price of 300 रुपए। मतलब वो जब बनाता है ना तो वो हर एक शर्ट को 300 में मार्क करता है, ठीक है। और वो बोलता है कि अगर मैं दिवाली तक बेच सका तो मैं हर एक शर्ट को 300 में बेच दूंगा। जो जो लोग बिजनेस करते हैं कपड़ा वगैरह का, उनका टारगेट यही रहता है कि दिवाली तक ज्यादा दाम में कपड़े को छोड़ देना है, वही तो मेन एम है ना। तभी तो दिवाली के बाद प्राइस घटता है, यही तो होता है, ठीक है। तो ही कैन सेल ईच ऑफ देम ऑन देयर मार्क प्राइस ऑफ 300। वो बोल रहा है कि अगर मैं दिवाली तक बेच दूं तो मैं 300 में छोड़ दूंगा कपड़ों को। बट अगर ऐसा नहीं होता है तब मुझे ही हैज टू सेल द रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। तब उसको रिमेनिंग को 30% डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। मतलब समझ में आया ना? जैसे मान लो मेरे पास 100 शर्ट है, मैंने 100 शर्ट बनाया, मैं दिवाली में सिर्फ 40 बेच पाया, तो 40 को मैं कितने में बेचूंगा? आप बोलोगे सर आप 300 रुपए में बेचोगे, और जो बाकी 60 है वो मैं बेच नहीं पाया तो मैं उसको पोस्ट दिवाली मतलब आफ्टर दिवाली कितने दाम में बेचूंगा, ये तो आप मुझे बताओ। कितने दाम में बेचूंगा अगर मैंने दिवाली के बाद बेचा तो? एट व्हाट प्राइस विल आई सेल देम? 210 में। 30% का डिस्काउंट देना है, 30% का डिस्काउंट देना है ना, तो मैं 210 में बेचूंगा। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखा है ना, बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही हैज टू सेल द रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। तो 300 रुपए का सामान था, उसको 30% डिस्काउंट मतलब 90 का डिस्काउंट, तो 90 का डिस्काउंट में बेचूंगा तो मैं 210 में बेचूंगा ना। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? देखो तो डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अप टू हियर? प्लीज टेल मी। यस, यहाँ तक तो समझ में आया था ना? ओके, अभी आगे क्या बोला है देखो। उसने टोटल 1600 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किया। आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स ही नीड्स टू सेल ड्यूरिंग दिवाली टू ब्रेक इवन। मतलब आपको ये बताना है कि वो दिवाली में कितना शर्ट्स सेल करेगा। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर वो सारा का सारा शर्ट दिवाली में सेल कर देगा तो उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या फिर कुछ नहीं होगा? अगर वो सारा का सारा शर्ट दिवाली में बेच देगा तो उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या कुछ नहीं होगा, बताओ? प्रॉफिट होगा ना। वो तो यही चाहता है, वो दुकानदार तो उसको बिजनेस करना आता है ना, वो यही चाहता है कि अगर 300 में बिक गया तो प्रॉफिट हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। हमको ये सिचुएशन चाहिए कि मैं दिवाली में कितना बेचू सो देट मैं ब्रेक इवन में रहूं। ब्रेक इवन मतलब मुझे ना ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ना मुझे प्रॉफिट हो ना मुझे लॉस हो, ये चाहिए कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ना मुझे प्रॉफिट हो ना मुझे लॉस हो। इसको आप x लेके कर सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स गिवन है, तो आप एक एक तरफ x ले लो और एक तरफ 1600 माइनस x ले लो,
तो एक्स तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मतलब एक्स एक्स शर्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो यहां से निकाल लो आप, मतलब ओवरऑल ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, तो मतलब जो कॉस्ट, जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो बनाने के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट है वो निकल जाएगा ना। 1600 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किया था, तो 200 इंटू 1600 प्लस 25,000 वो टोटल कॉस्ट आ गया। और आप एक्स करके करेंगे तो आप एक तरफ ले लो एक्स और एक तरफ ले लो 1600 माइनस एक्स। तो आप मान लो कि एक्स शर्ट्स दिवाली में बेचा था, तो एक्स शर्ट्स दिवाली में बेचा तो एक को बेचा होगा 300 में, तो 300 एक्स पैसा आया। और आपका इधर ले लो, आप इसको बेचा था 210 में, तो ये जो पैसा है उसको इक्वेट कर दो जितना कॉस्ट था। एक तो ये मेथड है, और एक मेथड क्या है बोलो, व्हाट इज द अदर मेथड टू सॉल्व दिस? आप मुझे बताओ, जब जब एक पार्ट रहता है, जैसे 1600 शर्ट्स है, इसको मैं एक पार्ट को मैं दिवाली में बेचूंगा, एक पार्ट को मैं पोस्ट दिवाली बेचूंगा, तो जब एक ही चीज दो चीजों में ब्रेक हो जाता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, व्हाट डू वी डू देन? देन वी विल यूज द मेथड ऑफ एलिगेशन। इसको एलिगेशन से कर देंगे ना आराम से। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 1600 शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, 1600 शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक एक शर्ट का मतलब सॉरी 1600 इज द नंबर ऑफ शर्ट्स, तो टोटल सीपी कितना होगा? देखो सीपी कितना होगा, फॉर्मूला लिखा है 200 इंटू 1600 प्लस 25,000, मतलब ये कितना होगा, 200 इंटू 1600 32, 3,20,000, 3,45,000, 3,45,000 ये आएगा, 3,45,000, यस करेक्ट। ये मेरा टोटल सीपी है, दिस इज द टोटल सीपी है, करेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको शर्ट्स पता है 1600 शर्ट्स है, इन 1600 में से किसी पार्ट को आपने 300 रुपए में बेचा और किसी पार्ट को आपने 210 में बेचा, यही बोला है ना, किसी पार्ट को मतलब दिवाली से पहले वाला को 300 में बेच दिया और दिवाली से बाद वाला को 210 में बेच दिया, मतलब इसमें से ही किसी पार्ट को 300 में बेचा और किसी पार्ट को 210 में बेचा। आप मान लो कि मैंने पूरा का पूरा 1600 शर्ट को 300 रुपए में बेच दिया, पूरा का पूरा शर्ट को मैंने 300 रुपए में बेच दिया, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? आप बोलोगे बोलोगे सर 1600 इंटू 300, 1600 इंटू 300 कितना होता है, 48,40, मतलब 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप पूरा का पूरा शर्ट को 210 में बेच देंगे तब कितना आएगा पैसा, इंटू 210, 1600 इंटू 210 आएगा, 1600 इंटू 210, इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आएगा, 336,000, ओके इसका आएगा 336,000। ठीक है, ओके अगर मैं पूरा का पूरा शर्ट को 4,80,000 में बेच दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? पूरा का पूरा शर्ट को अगर मैंने 4,80,000 में बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 3,45,000 पूरा सीपी है, और अगर मैं पूरा का पूरा 1600 को 300 में बेच दूं तो प्रॉफिट कितना होगा, 1,35,000, करेक्ट। तो प्रॉफिट होगा 1,35,000। आपको प्रॉब्लम होगा अगर मैं इसको 135 पकड़ू एलिगेशन में? विल यू फेस एनी प्रॉब्लम? आप सच बताओ, अगर मैंने इसको 135 पकड़ा आपको प्रॉब्लम होगा क्या? नो no? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? एनीवन? नहीं है ना भाई। आप इधर 1000 लगाओ, 1000 1000 से कोई मतलब नहीं, एलिगेशन तो रेशियो का खेल है और तो कुछ नहीं है। तो अगर मैंने 1600 का 1600 शर्ट को 300 में बेचा तो मेरा प्रॉफिट होगा 1,35,000, और अगर मैंने 1600 का 1600 शर्ट को 210 में बेचा तो मुझे लॉस कितना होगा बताओ, कितना लॉस होगा, 9,000, करेक्ट। तो मुझे 9,000 का लॉस होगा, हाँ 9K का लॉस होगा, तो -9, -9। बट मुझे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस चाहिए? नहीं चाहिए, मतलब जीरो। एलिगेशन लगाओ यहाँ से 135 और ये 0 प्लस 9, 9, इसका मतलब किस रेशियो में बेचना है, ये दिवाली और ये पोस्ट दिवाली, तो किस रेशियो में बेचना है, 9:9:135 का रेशियो, 1:15, मतलब 1:15, मतलब 1600 शर्ट्स में मुझे एक यूनिट दिवाली में, दिवाली तक बेच देना ही पड़ेगा। मतलब अगर 16 यूनिट का वैल्यू 1600 है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 100। समझ में आया ना क्वेश्चन?
Is it clear? Yes. समझ में आया ना? Yes. समझ में आया ना? पक्का बात है ना? ये जो डायरेक्ट कर दिया वो पूरा वन साइडेड लेके, उसमें कोई डाउट है क्या? उसमें अगर डाउट होता है ना तो आप प्रॉफिट परसेंटेज ले लो, एक ही बात है, आप प्रॉफिट परसेंटेज लेके कर सकते हैं। और आपको पता है ना प्रॉफिट परसेंटेज में एलिगेशन लगाने से सीपी का रेशियो आता है, तो ये सीपी का ही रेशियो है 1:15। सीपी मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही हुआ ना, क्योंकि हर एक शर्ट का जो सीपी है वो तो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शर्ट से। ठीक है, इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, समझ में आया ना? सच बताओ, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लो, इफ एनी डाउट यू आस्क मी प्लीज। Any doubt? Anyone having any doubt? Please ask me. Get it clear? Clear है ना? Okay, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो doubt नहीं है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला question कितना question है? अच्छा question तो है, एक DI भी है, but DI आज नहीं करेंगे, DI को कल करेंगे। DI में time लग जाएगा बहुत ज़्यादा। आज डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है शायद, देखो तो कौन सा क्वेश्चन है। डू दिस क्वेश्चन प्लीज, आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो तो आप लोग, मुझे तो समझ में आ गया कैसे करना है। प्लीज ट्राई, वेरी गुड क्वेश्चन। यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बेस्ट थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज इनफ। एक्स का वैल्यू बता दो। सात हजार पांच सौ, अगर एक्स है तो 7,500, 2,500, मतलब 10,000,
10,000 पे 25% करके 2 साल लगाएंगे तो 50% का इंटरेस्ट आएगा, तो 10,000 का 50% 5,000 ही होता है। वो बात सही है बिल्कुल, अगर स्टेट आपका अगर आंसर सही है। ओके आप मुझे एक चीज बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे किया, हाउ डिड यू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। मतलब आपने इसको कैसे किया, मतलब 12% पर एनम कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स, मतलब 3 बार लगेगा, 3 बार कंपाउंडिंग होगा, उसको आपने हैंडल कैसे किया, हाउ डिड यू हैंडल, प्लीज टेल मी। अरमान आपने कैसे किया बताओ, आपने बढ़िया सॉल्व किया है, जो भी किया है वेरी नाइस, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, अब इंग्लिश वगैरह में फोकस करो। बताओ बताओ आपने कैसे किया, जल्दी बताओ, प्लीज टेल मी फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। सर नॉट श्योर बट फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लगाया ठीक, मैं ट्राई करता हूँ विदाउट फॉर्मूला, मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए। देखो तो अनूप ने डिपॉजिट कितना किया है, 2x प्लस 5,000 इन ए बैंक विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है 1 साल का, तो 4 महीने का कितना होगा, 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बोलो। अगर 1 साल का 12% है तो 4 महीने का 3 3 कैसे होगा, 4 होगा ना। अरे भाई 12 महीने का 12%, तो 12 महीने का 12%, तो 4 महीने का 4%, इसमें क्या इतना सोच रहा है, 12 महीने का अगर 12% है तो 4 महीने का 4% ही होगा ना, ठीक है। तो 4% करके एवरी 4 ईयर्स, मतलब 3 बार कंपाउंडिंग होगा, 4% करके 3 बार होगा, 3 बार, इसका मतलब 4% का वैल्यू कितना होता है, 1/25, इसका मतलब जो कंपाउंडिंग होगा ना वो 3 बार होगा, मतलब एक बार 25 से 26 होगा, फिर 25 से 26 होगा, फिर 25 से 26 होगा, 25 का क्यूब कित ये होता है ना 15625, 26 का क्यूब कितना होता है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 26, 16636 होता है क्या, ये होता है क्या, देखो तो मुझे नहीं याद नहीं है, ये होता है क्या 17576, ओके ठीक है, मुझे ये सब याद नहीं है, 17576 ठीक है चलो। तो और वो 25 का तो यही होता है ना, 15625 ही होता है 25 का, है कि नहीं, हाँ सही है ना, 25 का तो सही है फिर, ओके। सो नाउ यू सी, देखो ठीक है, तो मतलब जो जो इसने भाई साहब ने जो पैसा डाला था, अनूप ने जो पैसा डाला था वो 2x, मतलब इतना पैसा डाला था, x को छोड़ो, x को स्टार्टिंग से देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, 4% करके 4 महीने में, मतलब 12% साल का, तो 4 महीने का 4%, तो 4% करके 3 बार कंपाउंडिंग हुआ, अगर 3 बार कंपाउंडिंग हुआ है, मतलब अमाउंट जो है वो 15625 से 17576 हुआ है, ठीक है। और उसका जो दोस्त है उसने 10,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड 10,000 मोर देन हिम इन द अनदर बैंक विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 8% अगर साल का इंटरेस्ट है तो हाफ ईयर्स का, हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 8% अगर साल का है तो हाफ ईयर का कितना होगा बताओ, 4% ही होगा, करेक्ट 4%, मतलब वो जो दूसरे बंदे ने जो डाला ना, दूसरे बंदे ने डाला उसको भी 4% ही मिल रहा है, बट उसको 2 बार मिल रहा है, तो मतलब उसका एक बार पैसा 25 से 26 हुआ और उसका एक बार पैसा 25 से 26 हुआ। मुझे पता नहीं हाँ ये मेथड छोटा होगा कि बड़ा होगा, लेट मी ट्राई, तो ये होगा 676, ठीक है ओके। अभी देखो ये जो पहला वाला प्रिंसिपल और दूसरा वाला प्रिंसिपल में 10,000 का गैप है कि नहीं, बोलो तो, पहला वाला प्रिंसिपल और दूसरा वाला प्रिंसिपल में 10,000 का गैप है, यार इसको डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, नहीं नहीं एक सेकंड यार, इसको तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना, हाँ
डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते ना इसको। इसको डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं? डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते। कैसे बनाओ इस क्वेश्चन को? अगर एब्सोल्यूट फिगर्स पकड़ेंगे ना तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा इस पे। एब्सोल्यूट फिगर्स पकड़ने में तो पूरा बैंड बच जाएगा, क्योंकि 12% है तो 4% का हम लोग जितना भी कर लो आप उसको छोटा कर ही नहीं पाओगे, वो बढ़ते ही रहेगा। रेशियो से नहीं होगा क्या? रेशियो से अशोक इन्वेस्टेड 10,000 मोर देन हिम इन अनदर बैंक, मोर देन हिम इन अनदर बैंक। 10,000 मतलब 15,000, मतलब 10,000 ज़्यादा। बट ऐसे तो नहीं लगा सकते ना हम लोग डायरेक्ट। लेट मी थिंक हियर समथिंग। इसको कुछ तो कर सकते हैं। 2x+5,000 इन अ बैंक। आप लोग भी सोचो, आप लोगों का ब्रेन में कुछ आने से बोलो। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है इसमें। 2x+5,000 इन अ बैंक जो बस 12% कर रहे हैं कंपाउंडेड ठीक है। अशोक इन्वेस्टेड 10,000 मोर देन हिम इन अनदर बैंक व्हिच ऑफर्स कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, मतलब एक बार जो इंटरेस्ट आएगा, जो 2 साल में इंटरेस्ट आएगा, दो बार में, और उसको वो 2 बार हुआ है, वो 3 बार हुआ है, उसके वजह से उसको 49.28 ज़्यादा मिला है, अनूप को ज़्यादा मिला है, क्योंकि वो 3 बार हुआ है और उसका प्रिंसिपल भी कम है। इसका मतलब आप लोग अपना सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करने दो। कुछ ना कुछ तो आएगा ही। यार ये तो इक्वेशन बना के सॉल्व हो रहा है। एक्स और वाई में दो इक्वेशन बना के तो सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो अमाउंट है, ये इसको प्रिंसिपल माना, फिर इसको प्रिंसिपल माना,
तो इन दोनों में गैप है, एक बार गैप आ जाएगा 10,000 का गैप है, फिर इसमें और इसमें गैप आ जाएगा 49.28 का, उस तरीके से तो हो जाएगा सॉल्व। प्रॉब्लम है कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो एक तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आप इसको इसको एक प्रिंसिपल मान लो, दूसरे वाले को ये प्रिंसिपल मान लो, तो दोनों प्रिंसिपल में जो गैप है वो 10,000 है, यहाँ पे गिवन था ना गैप 10,000 है, तो गैप को 10,000 ले लो, मतलब ये जो नंबर है, ये जो 625Y है, ये 10,000 ज्यादा है, ये 15625X से 10,000 ज्यादा है, और इन दोनों का जो इंटरेस्ट का गैप है वो 49.28 है, मतलब किस में ज्यादा इंटरेस्ट मिला था, इफ अनूप अनूप को ज्यादा मिला था ना, तो मतलब ये जो 1951X-51Y इज इक्वल टू आपका ये 49.28 है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन यार। आप लोगों के ब्रेन में कुछ आ रहा है कि एनीवन हु कैन थिंक एनीथिंग? मैं इसको मिटा देता हूँ, इस ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करने से तो नहीं करना अच्छा है, छोड़ दो, कुछ और सोचना पड़ेगा। एनीवन हु कैन थिंक एनीथिंग? सिंपल इंटरेस्ट होने से तो आराम से निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो 10,000 भी इंटरेस्ट जो होता वही गैप होता, बट ये तो कंपाउंड है ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, 2000 2000X तो उस पे लगेगा, उसको अलग कर लेते प्रिंसिपल लोग सोचो, वी कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व इट। चार और चार का इक्विवेलेंट कितना होता है, 4 + 4 = 8 + 16/100, मतलब 8.16%, 8.16% तो उसको भी मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 4% 4% 4%। इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट फिगर्स नहीं कर सकते क्या यार, कांट वी डू इट विदाउट दिस एक्स एंड ऑल? तो रास्ता होगा ना करने का, कुछ तो रास्ता होगा, 2x + 5000, इसमें 4% 4% मतलब 8.16%, और 8.16% तो उस पर भी आएगा,
8.16% तो इस पे भी आएगा, इस पे और एक एक्स्ट्रा 4% आएगा, मतलब इस पे 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4 बाई 100, तो 816 इंटू 4 कितना होता है, ये होगा 12.16 और यहाँ पे आएगा 816 इंटू 4 3264, 32.64, मतलब 12.48% का इंटरेस्ट इस पे आएगा एक्स्ट्रा, और इस पे आएगा 8.16%, ये आएगा और इस पे आएगा 8.16%, इसका 8.16% परसेंटेज 00 816 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, इस पे 816 का इंटरेस्ट आएगा और इस पे इंटरेस्ट आएगा 8.16% और इस पे आएगा 12.48%, मतलब इस पे जो 12.48 आएगा वो 8.16 को एक बार काट देगा, बचेगा 4.32% ऑफ 2x प्लस 5000 और इसमें माइनस ये 12.48 ये हो गया माइनस 816 बराबर 49.28 मोर इंटरेस्ट देन अशोक, ठीक है, तो 4.32% ऑफ दिस नंबर कंसीडर इट वाई, इट इज 49.28, मतलब 865.28, अगर मैं 28 के हिसाब से देखूं तो वो 10 में जाके बैठता है और 4 में जाके बैठता है, 4 में जाके मतलब 4 में जाके, तो एक बार तो वो 400 200 हो जाएगा, 200 होने से ये 400 800 हो जाएगा और ये 200 होने से कितना देगा, 0.32, 200 होने से 64 देगा, मतलब y का जो वैल्यू है वो ये 200 हो गया 800 और वो 200 हो गया 64, मुझे चाहिए एक्स्ट्रा कितना चाहिए 64, 1.28 चाहिए, 1.28 इसका 1.28 इसका 3 टाइम्स, आप ये कैलकुलेशन करके बताओ तो y का वैल्यू कितना होगा, प्लीज ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशन एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आप ट्राई करो तो इसमें y का वैल्यू निकालने को ट्राई करो, ये जो y लिखा है इसका 4.32% ऑफ y अगर इतना होता है तो y कितना होगा, ये देखो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं do this calculation and try to find what is y. बहुत ज़्यादा डेसिमल में आने से तो आंसर गलत है यार. ये बहुत डेसिमल में आ रहा है क्या, ये वाई का वैल्यू बहुत ज्यादा डेसिमल में आ रहा है क्या, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट कम इन डेसिमल, डेसिमल में आ रहा है ना तब तो गड़बड़ है यार, तब तो गलत है, डेसिमल में मेरा भी मैच नहीं हो रहा था यहाँ पे, नहीं तो बैठ जाना चाहिए था, बैठ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, मैंने ऐसा सोचा इसको
कि अगर आप ये 2x plus 5000 है, इस पे तो तीन तीन बार लगेगा ना 4%, तो 3 बार 4% लगने से इतना इंटरेस्ट आता है, मतलब 2 बार 4% लगने से 8.16, और 1 बार 4% मतलब 4 plus 4 plus 8.16 into 4 by 100, तो ये आ रहा है आपका 12.16 plus 0.32, तो 12.48% इंटरेस्ट आ रहा है। और यहाँ पे जो अशोक ने इन्वेस्ट किया ना, उसको मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर सकते हैं ना? ब्रेक नहीं कर सकते कि हम लोग? ब्रेक तो कर ही सकते हैं। 2x plus 5000 और 10000 दोनों में अलग अलग से सक्सेसिव लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। अगर मैं 150 पे सक्सेसिव लगाऊं दो बार सक्सेसिव लगाएंगे हम, अगर 10% का लगाया तो 21%, 1500 पे लगाते 21% का इंटरेस्ट आएगा, मतलब 21 और 15 हो जाएगा 210, और 105 मतलब 315। और उसी जगह में अगर मैं 1000 पे सक्सेसिव लगाऊं 21%, तो 21% ये देगा 210, और 500 पे अगर 21% लगाएंगे तो 21 × 5 = 105। तो बात तो एक ही है कि मैं एक साथ में लगाऊं या डिवाइड तोड़ के लगाऊं, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो उस तरीके से अगर सोचे तो फिर हमारा यहाँ पे 2x plus 5000 पे 4% 4% 8.16% इंटरेस्ट आया। तो ये 8.16 तो पहले भी इसमें आ रहा था, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही इस पे आएगा, तो 4.32% इंटरेस्ट आएगा इस पे, 4.32% इंटरेस्ट इस पे आएगा। और माइनस ये 10000 पे 8.16% मतलब 816, क्यों नहीं आ रहा आंसर? अगर 4.32% होता है ऑफ दिस नंबर को y मान लिया मैंने, तो माइनस 816 बराबर ये 49.28 आना चाहिए ना, जो इंटरेस्ट का गैप की वजह है। आंसर क्यों नहीं आ रहा ये? क्या यार, देखो ट्राई करो, देखते हैं थोड़ा टाइम, अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है यार, ये कैसे निकल रहा है? आंसर तो आएगा इसका, आंसर तो x का वैल्यू 7500 ही है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच भी हो रहा है, बट निकालेंगे कैसे इसको? एक तो फॉर्मूला से लगा सकते हैं, लेकिन यार फॉर्मूला से क्या है, बार बार 4% 4% क्यूब लगाएंगे, फिर उसमें क्यूब लगाओ, पता नहीं यार ये कैसे सॉल्व होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा इक्वेशन बन रहा है। एटलीस्ट एक्स तक सॉल्व कर देते ना, तब भी आ जाता पता है, बट और उससे ज्यादा हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, एकदम एकदम ट्रेडिशनल मेथड में जाते, लेट्स सी, लास्ट ट्राई करते, अगर आया तो आया, नहीं आया तो और एक बार ट्राई करके देखते। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, जो इंटरेस्ट को 4% 4% करके 3 बार लगाएंगे और 1 बार 2 बार लगाएंगे, उस तरीके से डायरेक्ट करके देखता हूँ मैं। मतलब अशोक ने इन्वेस्ट किया है 2x plus 15000, और उसने इन्वेस्ट किया है 2x plus 5000 है ना, और अशोक ने इन्वेस्ट किया 10000 ज़्यादा, मतलब 2x plus 15000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊं, आरूप ने इन्वेस्ट किया है कितने, 2x plus 5000 विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12%। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो 12% कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ, 4%, तो 4% करके 3 बार अगर इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 4 plus 4, 2 बार करने से 4 × 4 मतलब 8 plus 8.16, और एक बार करने से प्लस 4 plus 8.16 × 4/100 यही आ रहा है। तो ये तो होगा 12.16 प्लस ये 8.16 × 4 होगा 32.64, तो 0.32 आएगा।
तो ये आएगा 12.48%। इस पे तो इतना इंटरेस्ट आएगा इस नंबर पे, और इस नंबर पे 2 साल के लिए 4% मतलब 8.16% इस पे इंटरेस्ट आएगा। तो इन दोनों का जो गैप होगा वो अरुप को ज्यादा मिला है, मतलब 12.48% ऑफ दिस नंबर माइनस 8.16% ऑफ दिस नंबर। सो दिस नंबर विल कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, 5000 एंड 10000। सो उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4.32% बचेगा। 4.32% ऑफ 2x प्लस 500, 2x प्लस 5000 और माइनस माइनस 8.16% ऑफ, ये तो माइनस कर दिया, माइनस 8.16% ऑफ 10000, 10000 ये 00800 एक ही आ रहा है यार, 49.28, 4.32% ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 816 प्लस होगा तो 865.28 ही तो आ रहा है, और तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको मेरा मेथड पे कुछ डाउट लग रहा है क्या? बोलो तो, लेट्स सी, आप बोलो तब मुझे शायद थोड़ा और क्लियर होगा। मैं इस मेथड पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? आपको ऐसा लग रहा है क्या? बोलो तो, इफ यू थिंक यू टेल मी, देन मे बी समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज टेल मी। सो गए क्या आप लोग? बोलो बोलो, ये जो मैंने मेथड से सॉल्व किया इससे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको? देखो तो कहीं पे मिस्टेक, एनी मिस्टेक, डू यू फाइंड एनी मिस्टेक, यू टेल मी प्लीज। देख लो एक बार विश्वजीत, आप बताओ तो कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? सो गए क्या आप लोग? सर से एक बार सोल्यूशन दिखाइए। हाँ ये देखो, तो एक बार सोल्यूशन ये देखो, अगर इतना अमाउंट है, मैंने 3 साल का लगाया तो उधर भी सेम ही, मतलब बेसिक ही तो किया है यार, फिर भी क्यों आंसर नहीं आ रहा है? हो गया ना? आ गया ना? उसमें थोड़ा एज्यूम करना था यार, कहाँ डेसिमल आ रहा था, उतना डेसिमल नहीं आ रहा था ना। 5408/27 आया, उसको 200 तो एज्यूम कर ही सकते हैं ना, मतलब कहाँ क्यों गड़बड़ हुआ? पता है हम गेम कहाँ पे हारे? यहाँ पे मैंने 0.32 लिया ना, यहाँ पे 0.3264 लेना चाहिए था, उसके वजह से ये मिनिमम एरर आया है कि यहाँ पे 5408 आ रहा है, बट एक्चुअली ये 5400 के बहुत क्लोज आना चाहिए। तो मतलब ये वाला नंबर जो है ना वो 200 आना चाहिए, ये वाला नंबर ये 200 आना चाहिए, तब जाके y जो है वो 20000 आएगा। समझ में आया? एक्चुअली ये वाला यहाँ पे 432 है ना, तो यहाँ पे उसका मतलब 200 गुना होना चाहिए, मतलब ये आपका कितना होना चाहिए था पता है? 880
मतलब 86,400 के करीब होना चाहिए था, ठीक है, बट 5.28 वो एक्स्ट्रा है, मतलब 86,400 होना चाहिए था, मतलब कैसे बताओ, जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे 5408/27 आ रहा है ना, ये 5408/27 आ रहा है, ये वाला सिली मिस्टेक इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे 64 को इग्नोर कर दिया था, अगर मैं पूरा लेके चलता तो फिर यही आता, मतलब समझ में आ रहा है आपको, सी नो अदर वे, मुझे तो कोई इसका उपाय नहीं मिला, सो यही मेथड अभी, उपाय तो है नहीं, समझ में आया आप लोगों को, और ये थोड़ा तो देखो, थोड़ा तो क्लोज वैल्यू से मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वैल्यू अगर एज्यूम किया है तो उसका तो थोड़ा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 0.3264 के जगह पे 32 ले लिया ना, तो उसके वजह से ये 5408 आ रहा है। हाँ सर, हम यहाँ ही मैच, अरे हाँ यही पे, हाँ ये गड़बड़ था, बट उतना कंसिडर कर सकता है ना, देखो ये जो 27 है वो 5408 को, वो तो 201 भी नहीं होगा, 201 भी तो नहीं होगा, तो आप 200 मान लो, इतना बहुत क्लोज है ना वैल्यू, मतलब बहुत ही क्लोज है, 27 का बहुत ज्यादा क्लोज है ये वाला, ठीक है, तो 200 और 201 के बीच में है आंसर, 200 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 200 मान लो उसको, उसको अगर आप 200 मान लोगे तो 1% ऑफ वाई 200 होगा, और वाई होगा 20,000, तो वाई क्या है, वाई क्या था, 2x+5000, 2x+5000 अगर 20,000 है तो x का वैल्यू आएगा 7500, ठीक है, फिर वहां से आप लोग ये वाला चीज घर में मैं कर देता हूँ, देखो x का वैल्यू आया 7500, तो x+2500 होगा 10,000, 10,000 रुपए में 2 साल के लिए 25% लगाएंगे तो 50% इंटरेस्ट आएगा, मतलब 5,000 आएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन x, x का वैल्यू कितना है 7500 फॉर 2 ईयर्स एट 20% कंपाउंडेड एनुअली, 20% करके अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं तो 44% इंटरेस्ट आएगा, और सिंपल लगाऊं तो 40% आएगा, मतलब जो डिफरेंस है 4% वो कितना है 300 है, आपको पूछा क्या है, अच्छा वो 300 है क्या वो पूछा है, तो 4% ये 7,500 का 4% कितना है 300 ही है, तो ये भी करेक्ट है, और ये वाला HCF ऑफ 2x, x मतलब 7500 और 2x मतलब 15,000-5,000 मतलब 10,000, तो आपको पूछा है कि 10,000 और 7,500 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2,500 है क्या, है सही है, तो तीनों ही सही है, ठीक है, उपाय नहीं है, आप लोग इसको ट्राई करना, अगर इस शॉर्ट मेथड, रेशियो से तो नहीं बन रहा है यार, रेशियो से बिल्कुल अलग चला जा रहा है, सो इट्स बेटर कि आप, हम लोग ऐसे ही करें कि ब्रेक कर लो थोड़ा सा ब्रेन में, और थोड़ा सा एजम्पशन के साथ चलेंगे तो हो जाएगा, आया ना समझ में ये क्वेश्चन, देखो तो, सॉरी इसमें बहुत टाइम चला गया, प्लीज टेल मी, आया ना समझ में, बाकी लोगों को क्या डाउट है इसमें, यस आया ना, आप लोग ट्राई करना घर में, मैं पीडीएफ दे दूंगा ये वाला, गेट टाइम यू ट्राई, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, आपको मर्जी है, इतना पेचीदा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देना, नो सेंस इन डूइंग ऑल दिस, ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, कल।